नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीज बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आप लोगों के साथ अन्याय भी हो रहा है और बहुत ही ज्यादा आप मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट चाहे कोई भी आ जाए लेकिन इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको जानने के लिए जरूरी भी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है और क्यों वैकेंसीज में इतनी कटौती होती है या वैकेंसीज इतनी लेट होती है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जहां पर मैं मतलब रहता हूं, मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में इस समय मैं रहता हूं। तो ट्रेनिंग सेंटर में पिछले मैं लगभग देखता चला आ रहा हूं कि पिछले 10 से 12 सालों में जितना मृतक आश्रित जो बैच आए हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर के हुए चाहे वो कांस्टेबल के हुए, क्योंकि जो जिनके पिताजी डिपार्टमेंट में जो है डिपार्टमेंट में वो जिनकी डेथ हो जाती है चाहे किसी भी कारणवश हो, तो उनको यदि उनके जो आश्रित हैं उनके बच्चे अगर 10th करे हुए हैं तो वो सॉरी 12th करे हुए हैं तो उनको कांस्टेबल की, और अगर वो ग्रेजुएशन करे हुए हैं तो उनको जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट उसमें मिलती है। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर में भी ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि किसी के फादर का सिविल पुलिस से उनकी डेथ हुई है तो उसको सिविल पुलिस मिलता है। मतलब कहने का मतलब किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं है वहां पर। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें देख चुका हूं मैं दोस्तों। 9,500 वैकेंसी निकल नहीं रही है। 2016 का जो वैकेंसी थी वो कंप्लीट हो नहीं रही है। अब मैं आपको एक चीज बता दिखाता हूं कि इनकी वेबसाइट पर क्या हाल है। ठीक है, अब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, इनकी वेबसाइट पे लगभग लगभग आप शुरू के 85 पोस्ट देख लेंगे ना। इसमें भी देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है मृतक आश्रित। ठीक है, उप निरीक्षक, नागरिक, पुलिस, फायरमैन, मृतक आश्रित, पूरा का पूरा इन्होंने पूरा का पूरा जितना भी सब मृतक आश्रित के लिए चल रहा है, कोई भी चीज डायरेक्ट के लिए नहीं आ रही है। आप शुरू से देख लीजिए अभी, मतलब जितनी भी चीजें होंगी ना, कि इसमें भी ये लिखा होगा कि भाई या तो पदोन्नति, ठीक है, या फिर तो प्रमोशन वाले, या फिर मृतक आश्रित। ठीक है, मृतक आश्रित सहायक परिचालक भर्ती 2021। मतलब कहने का यह है कि जब आपको डिपार्टमेंट मृतक आश्रित से ही भरना है, ठीक है, तब आप डायरेक्ट वैकेंसी का लालच क्यों देते हैं किसी भी को भी। अब मैं आपको एक चीज रियलिटी बताता हूं जो कि स्टूडेंट को नहीं पता होती है। दोस्तों नियम यह होता है कि 50-50% का नियम होता है। जैसे यदि आपको सब इंस्पेक्टर की भर्ती लेनी है तो आपको 50% सब इंस्पेक्टर बनाने पड़ेंगे जो आपका प्रमोशन से है, मतलब कांस्टेबल से हेड बनेंगे, हेड से सब इंस्पेक्टर बनेंगे। ठीक है, और 50% जो वैकेंसी होती है उसमें वो कैंडिडेट आते हैं जो डायरेक्ट एंट्री होती है, जिनकी जिनका बकायदा भर्ती बोर्ड से के थ्रू होते हैं, उनका पेपर होता है। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि पिछले 12 सालों में मैंने एक चीज देखी कि सब इंस्पेक्टर का इतना बैच निकला है ना, और वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं, 700, 800, 500, 600 ऐसे वैकेंसी कर करके मतलब 20,000 सब इंस्पेक्टर्स भर्ती कर लिए। ठीक है, अगर सोचो कि वो चीज अगर डायरेक्ट एंट्री के थ्रू होती, और याद एक चीज ध्यान रखना, जो मृतक आश्रित जो बैच होता है वो डायरेक्ट माना जाता है, मतलब उनका जो 50% जो बचे हैं, ठीक है, जिन जो 50 उसमें से भी लगभग 30% या 25% जो है वो मृतक आश्रित जो होते हैं वो सब ले जाते हैं। कहने का मतलब जो डायरेक्ट एंट्री है, जो कि फ्रेश लड़का जो पढ़ के आया, जो टैलेंटेड लड़का, बीटेक होल्डर, एमएससी होल्डर, आपका जो है ग्रेजुएट होल्डर, कंपटीशन पास करके सब कुछ करके आता है, उसके लिए डिपार्टमेंट में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं। तो आप खुद देख लीजिए ना, 2011 से 2016 लग गया भर्ती आने में, और 2016 से अभी तक 2021 लग गया भर्ती आने में। ठीक, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, किसी मैं किसी गवर्नमेंट का विरोध नहीं करता हूं, ठीक, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती है। और जिसके सगे संबंधी जो भी हो वो जान सकते हैं कि मृतक आश्रित जिनको की जिनको विदाउट कंपटीशन की नौकरी मिलती है वो किस तरीके से जॉब करते हैं। मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, 100 में से 1 ठीक निकल सकता है, लेकिन ज्यादातर उनका जो आउटपुट होता है वो 0 होता है, क्योंकि नौकरी मिलती है फ्री में, कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं। अब तो खैर कह सकते हैं कि अब जो 2017-18 के बाद से जो लोग मृतक आश्रित जो आ रहे हैं, या फिर जो पहले के नहीं, जो 2000 जिनका जिनकी डेथ थे, जिनके फादर्स की डेथ 2017-18 के बाद हुई है, उनको अब जो है बकायदा रिटिन एग्जाम देना पड़ता है। अदरवाइज उससे पहले का बैच अभी लेटेस्ट में गया है, 2021 में आपका जो है बैच गया है, लगभग 2020 में बैच गया है आपका दिसंबर में। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि कहां पर यदि ये सारी की सारी वैकेंसीज जो है आपकी डायरेक्ट लड़का डायरेक्ट होता है, उसमें टैलेंट होता है, ठीक है, उसको काम करने की क्षमता होती है, उसमें उसको उसने जब मेहनत से नौकरी पाई होती है तो उसको प्यार होता है इस नौकरी से, ठीक, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं। आप देख लीजिए, सारा का सारा देख लीजिए, सिर्फ मृतक आश्रित के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक,
कल मैं बहुत ज्यादा चीजें जो है कल मेरे रिकमेंडेशन में वीडियोस आई, कुछ स्टूडेंट ने भी मुझे कुछ वीडियो भेजी। तो अब एक दोबारा चीजें चल रही है। देखो मैं एक चीज आपको समझा दूं, जब तक 2016 का ऑर्डर नहीं आएगा लिखित रूप में, तब तक न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। चाहे आप कोई भी कैंपेनिंग कर लो, चक्का जाम कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये चीज जब तक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग उनके हाथ में नहीं होगी, तब तक वो नेक्स्ट वैकेंसी नहीं निकालेंगे। क्योंकि उस रूलिंग का को जो जो लिखे जो उस रूलिंग को वो आपके नोटिफिकेशन में भी लिखी है 2021 के, कि इस रूलिंग के तहत ये चीजें हमने करी हैं। ठीक, यदि आज नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो आपकी वैकेंसी भी फंसेगी ही फंसेगी, 100% फंसेगी। जब इतना वेट कर लिया तो थोड़ा और सही। ठीक, मैं मानता हूं 2-2.5 साल का वेट हो गया। अरे उनका सोचो, 2016 वालों का देख लो, 2011 वाले 2020 तक गए ट्रेनिंग करके। तो ये उत्तर प्रदेश है, यहां नौकरी 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 के लिए पढ़ाई से पहले आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है ना, पढ़ाई तो बाद में जाएगी, पेशेंस पहले ले आओ। क्योंकि सब कुछ कर लोगे, रिटेन पास कर लोगे, दौड़ लगा लोगे, सब कुछ कर लोगे, उसके बाद नौकरी कर भी लोगे तब भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। मैं यही बताने के लिए मैंने आपको इस ये वीडियो बनाई थी कि आप खुद देख लीजिए, सारी सारे पद तो मृतक आश्रित से भर देते हैं, तो फिर नई वैकेंसी कहां से आएगी? 9,500 वैकेंसी मानता हूं, लेकिन मैंने क्या बोला, 9,500 वैकेंसी आने वाले 7-8 सालों के लिए भर दी है इन्होंने। अब दरोगा की वैकेंसी दिखेगी आपको 5 से 7 साल बाद ही। ठीक, 5 से 7 साल का मतलब नई गवर्नमेंट आएगी, वो लास्ट में जाके 5 साल बाद तो निकलती नहीं, वो वैकेंसी निकालते हैं, और उसके बाद भी पेपर वेपर जो लेते लाते वो 7 साल हो जाते हैं उसको। ठीक, पढ़ाई करते रहिए किसी भी तरीके, कोई भी आपको वो नहीं है, वैकेंसी आपकी जरूर आनी है। ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपके आपको क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।